नमस्कार दोस्तों, मेनुका किचन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि राशन या फिर जो दाल वगैरह हम लोग लेके आते हैं खरीद के, उसको हम लोग कैसे स्टोर करें। हम लोग घर में क्या करते हैं, कभी आधी किलो कभी एक किलो दालें वगैरह लेके आते हैं, एक्स्ट्रा राशन लेके आते हैं और वो राशन हमारा एक्स्ट्रा ख़राब हो जाता है। जैसे कि बरसात का मौसम में हम लोग आधा डब्बे में डाल देते हैं और आधा ऐसे रख देते हैं, तो क्या हो जाता है बरसात के समय में वो कीड़े लग जाते हैं या फिर उसमें कुछ जाले टाइप के पड़ जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं और हमारा राशन भी नुकसान हो जाता है। इसको देखते हुए मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके के टिप्स बता रही हूँ। अगर आप ये करेंगे तो आपके ये सालों तक आपके ये दाल वगैरह ख़राब नहीं होगा। जैसे कि आप देख लीजिए दोस्तों, ये धूली मूँग और धूली माँ है, इसको आप मैंने आधा डब्बे में डाल दिया और ये आधा बचा हुआ है। आपने क्या करना है, इसको पॉलिथीन में डालना है और आपने इस दाल को स्टेपलर कर देना है, या अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है तो आप इसको सील भी कर सकते हैं। और जैसे आपके ये देखिए कुल्त है दोस्तों, ये कुल्त एक साल हो गया जब मेरे हस्बैंड मणिमहेश गए थे। ये चंबा का कुल्त है, ये यहाँ पर हिमाचल में बहुत ही कम मिलता है और ये लोकल कुल्त है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसको सर्दी में खाते हैं। और ये जो आपको मैं कुल्त दिखा रही हूँ, ये एक साल का कुल्त है, इसको मैंने फ्रिज में ही स्टोर करके रखा हुआ था। आपने भी इसको प्लास्टिक में डालना है और आपने इसको स्टेपलर कर देना है। और जैसे ये है आपका चंबा का राजमा है, ये भी हो गया एक साल हो गया, पिछले साल ही मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मैंने इसको भी फ्रीजर में रखा हुआ था। तब ये देखिए जैसे कि तैसा, इसमें कोई मॉइस्ट नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है और ऐसा लग रहा कि मैंने इसको फ्रेश ही ख़रीदा हुआ है। इस तरह से आप क्या पॉलिथीन में डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आपको स्टोर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पॉलिथीन लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में जो पॉलिथीन है उसी की सहायता से आप कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, दाल के साथ साथ आप ड्राई फ्रूट को भी फ्रीजर में रख के स्टोर कर सकते हैं। देखिए ये बादाम है, ये बादाम को फ्रिज में रखे हुए 6 महीने हो गए, देखिए इसमें कोई कीड़ा नहीं है, ये बिल्कुल ज्यों का त्यों है और ये बहुत ही फ्रेश है। ऐसे करके आप मुनक्का को भी रख सकते हैं। ये देखिए मुनक्का को आपने किसी डब्बे में रखना है और इसका ढक्कन बंद करके आपने फ्रिज में रख देना है, तो ये देखिए इसमें भी बिल्कुल कीड़ा नहीं है। ऐसे आपका ये किशमिश है, ये देखिए किशमिश पर ज्यों का त्यों है, ये कितना फ्रेश है, ये देखिए आप खुद देख सकते हैं। और दोस्तों ड्राई फ्रूट के साथ साथ हम जैसे हमारे पास जो मसाले हैं, मसाले को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये मीट मसाला है और ये कस्टर्ड पाउडर है और ये पाव भाजी है। हम लोग जब पाव भाजी वगैरह जो बनाते हैं, नॉन वेज बनाते हैं, तो हम लोग गरम मसाला लाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा डालते हैं, उसको भी ऐसे रख देते हैं। पर आपने क्या करना कि इसको ऐसे नहीं रखना, ये देखिए ये भी इसको मैंने 2 महीने हो गए हैं फ्रिज में, इसको फ्रीजर में रखा हुआ था और ये देखिए मसाला जैसे के तैसे, और ये देखिए ये कितने अच्छे से ये पाउडर है, इसमें कोई मॉइस्ट नहीं है और ये कोई गीला नहीं है। आप इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। आपने क्या करना, गरम मसाला जब एक बार खोल लेते हैं तब आपने इसका जो ये पॉलिथीन होता है इसको अच्छे से बंद करना होता है, और इसको बंद करने के बाद में आपने इसका ये जो ऊपर का जो कैप है इसको आपने बंद कर देना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर से आपने एक रबड़ बैंड लगा देना है और इसको आपने फ्रीजर में रख देना है, और आपके ये जो गरम मसाला है ये भी ज्यों का त्यों रहेगा और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा, कोई इसमें मॉइस्ट नहीं होगा, कोई इसमें कीड़े नहीं होंगे। इस तरह से आप अपने मसाले, ड्राई फ्रूट, दालें को स्टोर कर सकते हैं। अब इन दालों को हम स्टेपलर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी दालों में स्टेपलर लगा दिया, ये देखिए इसमें भी मैंने स्टेपलर लगा दिया है और ये कुल्थ वाले में भी स्टेपलर लगा दिया है और ये राजमा भी मैंने स्टेपलर लगा दिया है। अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है तब आप इसको सील कर दीजिएगा, अगर सील करने का साधन भी नहीं है तब आपने रबड़ लेके रबड़ से इसको अच्छे से टाइट बंद कर देना है। और ये देखिए मैंने ये जो गर्म मसाला है इनके इसमें भी ये मैंने रबड़ लगा दिया है, और ये आपका किशमिश और जो ये मुनक्का है इसको भी मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। अब इन सब को मैं ले जाकर फ्रीजर में रखूँगी। दोस्तों आप इन चीज़ों को या तो फिर आप फ्रीजर में रखिए या फिर फ्रिज में रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ आपके फ्रिज या फ्रीजर में जो स्पेस है आप उसमें रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने दालों को फ्रिज में रख दिया है। ये देखिए और चीज़ भी मैंने फ्रीजर में रखा है, ये जैसे आपका ये दाल है, कुल्थ है, राजमा है और ये लाल मिर्च पाउडर है, इसको मैंने थोड़े से डब्बे में डाल के इसके रबड़ से बांध के मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया है, और ये अचार का आपका ये पीली सरसों है और ये मूंगफली है,
और ये देखिए दोस्तों, ये सत्तू है। ये आज इस सत्तू को मैंने रखे हुए 5 महीने हो गए है। ये मैं दार्जिलिंग से लेके आई थी, क्योंकि हिमाचल में ये सत्तू नहीं मिलता है। और इसको मैंने फ्रीजर में रख के स्टोर किया हुआ। ये देखिए आपका चने का दाल है, ये मलका मसर का दाल है, नमकीन वगैरह है, ये देखिए ये होममेड नमकीन है। इन सब को मैंने फ्रीजर में रख के इसको स्टोर किया हुआ है। और देखिए इस साइड में देखिए आपका, ये देखिए गरम मसाला है, और ये आपकी बूंदी है, साथ में ये नमकीन भी है, और ये आपका देखिए ये किशमिश है, और ये मनक्का वगैरह है, और ये बादाम है। दोस्तों जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा मिल जाता है और सस्ता भी मिलता है, तो हम लेके आते हैं, पर रखने की समस्या होती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं और हमारा ख़राब हो जाता है, साथ में पैसा भी नुकसान हो जाता है। ये सब को देखते हुए दोस्तों ये टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, आप लाइए और अपने फ्रीजर में रखिए। अगर फ्रीजर में नहीं है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखें दोस्तों, जो भी चीज़ आप निकालते हैं आप उसमें या तो उसको फिर बांध के आपने या तो स्टेपलर करना है या फिर आपने रबर से बांध देना है। दोस्तों आप घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। लोग बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं, पहले ट्राई तो करते नहीं है, फिर कमेंट्स करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों आपको मेरा ये टिप्स कैसा लगा, आप अपना अनुभव मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।